हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोगों के सामने एमसीक्यू का सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें ये हमने एसबीपीटी पब्लिकेशन से क्वेश्चंस कवर किया है और ये डीके गोयल साहब की बुक है। तो देखिए, इसमें हमने ये अब ज़्यादातर ये 500 से ज़्यादा हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आएंगे एमसीक्यू के, और इसमें हम ये पार्टनरशिप से शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एनपीओ की वीडियो डाल दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें, ताकि हमने उसमें आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए अच्छे से। अब ये है कि जितने सारे एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, बीएससीबी बिहार बोर्ड का एग्जाम हो गया, यूपी है, एमपी है, ज़्यादातर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को एमसीक्यू कर दिया गया है। तो हम चाह रहे थे कि आप जो अभी कुछ लोगों का प्री बोर्ड होना है और बाकी बोर्ड होने हैं, तो फाइनल बोर्ड, तब तक आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर लें। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसे अच्छे तक से देखें। और ये जो इसमें क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो जो लोग हिंदी मीडियम में गए वो भी उनको भी अच्छे समझ में आ जाएगा, और जो लोग इंग्लिश मीडियम से उनको भी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आप अंत तक देखिए वीडियो, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्वालिफिकेशंस की डिटेल है, और ये भी है, ये 12th की डिटेल है, ये उसके बाद की डिटेल है। चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, साझेदार के वेतन के से नाम किया जाता है, नाम एक्चुअल में डेबिट को कहा जाता है हिंदी के अंदर। ठीक है, तो सवाल पहला सवाल क्या है कि नाम किया जाता है, इन द सेंस क्या होता है कि साझेदारी की पार्टनर की जो सैलरी होती है, तो हम सब क्या जानते हैं कि पार्टनर्स की सैलरी को हम लोग की सैलरी की बात होती है, मतलब पार्टनर्स सैलरी की बात कर रहा है। तो पार्टनर्स सैलरी की बात कब होगी, हमने क्या पढ़ा था, जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स से रिलेटेड इंट्रीज सारी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है, लेकिन अगर अदर कुछ होता है तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स की कमीशन हो, सैलरी हो, बोनस हो, फीस हो, कमीशन हो, कुछ भी हो पार्टनर्स से रिलेटेड, वो सब कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, आगे देखिए क्या जाए, साझेदारों को चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी को, तो हम क्या जानते हैं कि चालू खाता मतलब करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपेंड व्हेन कैपिटल आर, तो जब कैपिटल फिक्स होता है या कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है, तो हम क्या जानते हैं करंट अकाउंट खोलने की बात कब होती है, जब कैपिटल फिक्स्ड हो, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो सिर्फ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनाते हैं, जब कैपिटल फिक्स होता है, तो सिंपल सा सवाल है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साझेदारी हो सकती है पार्टनरशिप में भी, तो हम क्या जानते हैं लिमिटेड भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है, एट विल भी हो सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, कह रहा है कि साझेदारों का दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, तो हम क्या जानते हैं कि पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड टू द कैपिटल, जितना उसने कैपिटल पूंजी लगाया है उतना ही वो देगा, अगर कुछ होता है तो वो घर बेच करके नहीं देगा, इसीलिए उसकी पार्टनर की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड टू द कैपिटल होती है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि साझेदारी संलेख को कहा जाता है, पार्टनरशिप डिट को क्या कहा जाता है, तो हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप डिट को एक तरीके से आर्टिकल्स ऑफ पार्टनर, मतलब आर्टिकल क्या कहते हैं, इंटरनल एग्रीमेंट जो आप लोगों के बीच में हुआ है एग्रीमेंट, जैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी के अंदर, इस तरीके से पार्टनरशिप में होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, तो इसे दूसरे लफ्ज में कहा जाता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब साझेदारों का अंतर्निनियम। ठीक है, तो सिंपल सवाल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखिए, साझेदार का फर्म से संबंध होता है, मतलब द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज डेट ऑफ, हम क्या जानते हैं एज ए एजेंट, एजेंट का रिलेशन होता है ना, तो अभी कर्ता का। ठीक है, साझेदारी अनुबंध, अनुबंध बनाना है, तो इसका मतलब हम क्या जानते हैं कि अनुबंध बनाने के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कि अगर अनुबंध मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट, तो मतलब साझेदारी का एग्रीमेंट बनाना तो मस्ट होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपलसरी, क्योंकि बिना एग्रीमेंट में तो कुछ होता नहीं, पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है, कौन कितना कैपिटल लाएगा, कितना बाकी जितनी सारी चीजें होंगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, बाकी जितनी सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए कंपलसरी हो जाता है। अगला देखिए, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, मतलब इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास, तो कब हुआ था, 1932 में। अगला क्वेश्चन देखिए, साझेदारी समझौता जो हो सकता है, मतलब पार्टनर्स एग्रीमेंट कैन बी, तो हम क्या जानते हैं रिटेन और ओरल दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन रिटेन को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे क्या समझेंगे, ओरल और रिटेन, मौखिक और लिखित। साझेदारों को के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो हम सब जानते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है तो उसे हम कहाँ शो करते हैं, तो सिंपल सवाल है, कहाँ शो करते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये बात पूछ रहा है क्रेडिट की, तो हम क्या जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इसे डेबिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन जब बनाते हैं तो उस साइड हम लोग डेबिट साइड पे शो करते हैं, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको हम लोग क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या होगा, क्रेडिटेड टू कहां, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किसी साझेदारी संलेख के अभाव, अभाव का मतलब होता है कि मतलब नहीं दिया हुआ हो, साझेदारी संलेख में इंफॉर्मेशन नहीं गिवेन हो, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, तो अभाव का मतलब सिंपल सवाल ही देखिए क्या लिखा हुआ है, ये अभाव,
इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस हम क्या जानते हैं, इक्वल रेशियो बांटा जाता है, ठीक है। साझेदारी संलिख की अनुपस्थिति में साझेदारों को उसके द्वारा दी गई अग्रिम राशि मतलब एडवांस जो होता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड द पार्टनर्स विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू फर्म बाय हिम एट द रेट, तो कितना दिया जाता है 6%। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये एडवांस सिर्फ एडवांस पे दिया जाता है 6%। अगर कह रहा हो कि पार्टनरशिप पे नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा। कमीशन कितना परसेंट दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा। समझ गए, इस तरीके से क्वेश्चन आया था, वहां पर नन ऑफ दीज होगा, लेकिन सिर्फ एडवांस और लोन पे ही ये होता है 6%, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 13 कह रहा है, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, इन द पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड। तो हम क्या जानते हैं कि लाभ हानि का हम लोग कैसे करते हैं, समझौता है, एज पर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है उस हिसाब से हम लोग करते हैं, है ना। आगे देखिए, निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, तो साझेदारी की विशेषता नहीं है, आपसे ये सवाल पूछा है नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, साझेदारी लिमिटेड टू द कैपिटल होता है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है लेकिन उसके कैपिटल तक, तो लेकिन एग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है टू और मोर परसेंट होता है, लेकिन ये लिमिटेड लाइबिलिटी वाली बात जो है तो वो नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टू द कैपिटल होता है लेकिन इन जनरल लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं मानी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग कह रहा है कि 15 लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। तो हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है वो किस लिए बनाते हैं हम लोग, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब विभाजन, किसको कितना प्रॉफिट देना है उसके, उसको बंटवारे के लिए, तो इसलिए फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सम द सी आंसर। अगला सवाल देखिए, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 50, तो 50 आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लाभ का विनियोजन है, तो लाभ का विनियोजन मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में हम क्या जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूंजी पर ब्याज मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे हम लोग क्या करते हैं उसमें शो करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, रेंट, लेकिन कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देते हैं ये स्पेशल हो जाता है पार्टनर से रिलेटेड, इसलिए हम लोग इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जब आहरण का समय ना दिया हुआ हो, व्हेन टाइम ऑफ विद्रॉल आर नॉट मेंशन, तो हम क्या जानते हैं, 6 महीने के हिसाब से देते हैं, ठीक है, अगर जब नहीं गिवन होता है ड्रॉइंग के बारे में। अगला सवाल देखिए, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने के अंतिम तिथि को किया गया हो, तो हम क्या जानते हैं कि जब भी लास्ट मंथ में होता है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, एट द एंड, एंड वाले में हम क्या करते हैं 5.5 लेते हैं, तो 5.5 आंसर हो जाएगा, मतलब 5/5.5 मंथ। फर्म के लिए साझेदारों के आहरण पर ब्याज है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग इज, तो हम क्या जानते हैं कि फर्म के लिए एक तरीके से गेन होता है, क्यों, क्योंकि पैसा कैपिटल निकाला कौन, ऑनर ने अब कैपिटल निकाल लिया फर्म से, तो फर्म क्या, ऑनर क्या करेगा उस पर, फर्म को एक तरीके से ब्याज देगा क्योंकि उसने पैसा लिया है, तो वो ब्याज फर्म को देगा ना, तो इसलिए फर्म के लिए क्या हो जाता है, इनकम, इसलिए क्या हो जाएगा, ए आंसर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि साझेदारी संलेख मतलब डीड के बारे में अभाव में साझेदारों का हकदार नहीं है, क्या वो नहीं ले सकता है, तो ना उसको सैलरी मिलेगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि देखिए, यदि प्रत्येक तिमाही के प्रथम, अब जब तिमाही वाली बात होती है तो समान राशि जब तिमाही हर 3 महीने में निकालता है तो हम लोग क्या करते हैं 7.5 मंथ के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7.5 मंथ। अगला देखिए, क्वेश्चन 23 कह रहा है कि ये यही वाली बात कि जिनकी पूंजी क्रमशः इतना इतना है, मतलब साझेदारों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी कैपिटल कितनी है 25,000 तथा 15,000, पूंजी पर ब्याज कितना 10% है वार्षिक ब्याज, दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए जब फर्म में इतना लाभ कमाया हो, तो इसका मतलब क्या है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और टोटल प्रॉफिट कितना है 2400, तो इसको मतलब हमें निकालना पड़ेगा, तो हम क्या जानते हैं कि टोटल कैपिटल, तो ऐसे करेंगे हम लोग सारे कैपिटल को जोड़ देंगे, तो इसका कैपिटल कितना है 25,000 प्लस 15,000, तो इसका मतलब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है कि इस पे इंटरेस्ट देना है, तो इसको 10% इंटरेस्ट है, तो 40,000 का हम क्या करेंगे 10% निकाल देंगे, तो ये निकल के कितना आ जाएगा 40,000 का 10% 4,000। अब कह रहा है कि प्रॉफिट कितना है 2,400, तो इसका मतलब 2,400 रुपया प्रॉफिट है, सिंपल इसी बात है, तो इसलिए हम लोग कैसे करेंगे इसको देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपली देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 4,000 रुपये तो हमें कैपिटल देना है इंटरेस्ट, लेकिन प्रॉफिट कितने का आ रहा है 2,400 रुपये का ही, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा, तो जब लॉस होगा तो इसका मतलब इसे नहीं दिया जाएगा,
तो ठीक है, तो जब नहीं देंगे हम उस पे, तो इसका मतलब इस 2400 रुपए को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे ना। अब सवाल ये होता है कि जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो डिस्ट्रीब्यूट हम लोग किस रेशियो में करते हैं, कैपिटल मतलब उसके पूंजी अनुपात में। ठीक है, तो उसका कैपिटल कितना है, 25,000, 15,000, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसकी रेशियो। ठीक है, तो इसकी रेशियो कितना आ जाएगा, ऐसे करके 25,000 रेशियो निकाल लेंगे 15,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकल के कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 5 से करेंगे तो 5, ये 0,0 कट गया, ये 0,0 कट जाएगा, तो 5 से ये 3 टाइम में जाएगा और ये 5, तो इसका मतलब 5:3 हो गया, ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। अब इस 2400 रुपए को हम क्या करेंगे, 5/8 कर देंगे, फिर 3/8 कर देंगे। ठीक है, तो एक का निकल के आ जाएगा 1500, दूसरे का निकल के आ जाएगा 900। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये इस तरीके के आपको न्यूमेरिकल टाइप पूछ दिए जाते हैं, जो बच्चे नहीं समझते उसे छोड़ देते हैं, इसलिए आपको छोड़ करके नहीं आना बल्कि बना करके आना। अगला सवाल देखिए, एक साझेदारी फर्म के लक्षण है, मतलब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर, तो पार्टनरशिप फर्म का फीचर्स क्या होता है, तो सिंपली बात है पार्टनरशिप फर्म का फीचर्स क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए, टू और मोर पर्सन है, शेयर प्रॉफिट लॉस एग्री रेशियो जितना में हुआ, बिजनेस आर कैरिड बाय ऑल पार्टनर, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण, मतलब शुरू में मतलब बिगनिंग है, आहरण के रूप में निकाला जाता है, तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि जब भी शुरू में निकालना होता है उसका हम लोग 6.5 लेते हैं, इसका मतलब 6.5 हो जाएगा जब ड्राइंग की बात होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक साझेदार के चालू खाता मतलब करंट अकाउंट का कौन सा शेष होता है। तो हम सब क्या जानते हैं कि जब भी करंट अकाउंट की बात होती है तो करंट अकाउंट तो डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट बैलेंस डज अ पार्टनर्स करंट अकाउंट हैव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों आंसर हो जाएगा, ए या बी। ठीक है, क्योंकि डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 27 नंबर, ये प्रति माह 1,000 प्रति माह के अंत में, तो इसका मतलब लास्ट में निकाल जा रहा है, और ब्याज 5% है, तो कुल ब्याज मतलब ये ड्रॉ करा है कि ड्रॉ करता है 1,000 रुपया पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% देन द टोटल ड्रॉइंग ऑन विल बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, 5.5 लेते हैं, तो इसका मतलब देखिए हर 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 महीने निकाला गया 1,000, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 1,000 × पहले 12 कर देंगे, तो क्योंकि पूरे साल का पता चल जाएगा, तो पूरे साल का अमाउंट कितना हो गया, 12,000 रुपये। अब फिर क्या है, 5% है, 5% तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि हर महीने के क्या है, एवरी मंथ लास्ट डे मतलब इंड में है, तो इंड वाले को इसका मतलब हम कैसे लेते हैं, हम जानते हैं क्या, 5.5, तो इसका मतलब 5.5 ले लेंगे डिवाइड बाय 12, तो आप ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 275, तो इसलिए कह से क्या हो जाएगा आंसर, 275। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 28 नंबर, किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकार है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, तो हम क्या जानते हैं कि जब भी एग्रीमेंट के बारे में नहीं गिवेन हो कि पार्टनर्स डिड साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा, चुप है, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा कुछ नहीं देते हैं, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि परिवर्तनशील पूंजी मतलब वही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में, पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिटेड विद, तो हम क्या जानते हैं कि जब भी परिवर्तनशील की बात होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने क्या पढ़ा था, जब जब कैपिटल फिक्स होता है तो कैपिटल और करंट दोनों बनता है, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाएगा, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, पार्टनर का रेमुनरेशन जैसे सैलरी वैली किसी को दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, सिंपल बात है, अगला देखिए, 30 नंबर, क्या कह रहा है, साझेदारों के बीच में मतलब कि साझेदारों के बीच में ठहराव मतलब वही एग्रीमेंट की बात है कि अनुपस्थिति मतलब वही डिड नहीं है, साझेदार की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये वही बात है जब भी हमने आपको डिस्कस करी थी पीछे कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा किसी पर नहीं देते, जिसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए कितनी बार पूछा गया कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो हम क्या जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल पर इंटरेस्ट कब दिया जाता है, जब क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई हो, तो इसे हम शो कहां करते हैं, अप्रोप्रिएशन एंड अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाता है,
इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एप्रोप्रिएशन होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसे हम नहीं शो करते हैं, पार्टनर से रिलेटेड होता है तो इसीलिए एक्सपेंडिचर नहीं होगा, गेन तो होगा ही नहीं, तो इसलिए एप्रोप्रिएशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है 12% प्रति वर्ष की दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए, यदि वह प्रत्येक माह के प्रारंभ मतलब शुरू में निकाल रहा है 2000 रुपये। तो सिंपल सवाल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना कर रहा है, 12% रेट पे विदड्रॉ 2000 रुपया वंस एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, मतलब साल के शुरू में निकालता है, तो सिंपल बात है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है देखिए, तो इसका मतलब हम क्या जानते हैं कि जब भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन गिवेन होगी तो हम क्या समझेंगे कि वही ईच मंथ कह रहा है बिगनिंग है, तो बिगनिंग में हम 6.5 लेते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2000 कह रहा है कि निकाला है, तो इंटू 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24000, सिंपल है। उसके बाद कह रहा है कि कितना परसेंट, 12%, तो 12 डिवाइड 100 इंटू फिर क्या कह रहा है 6.5 है, तो 6.5 को हम लोग कैसे लेते हैं, ऐसे ही मतलब 6.5 डिवाइड बाई 12, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा 1560। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 1560। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 33, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, मतलब यहाँ पे डीड नहीं है, साझेदार को उनके फर्म के दी गई अग्रिम राशि, वही बात इंडिया एडवांस जो होता है वो उसका रेट क्या होगा, तो इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा 6%। ठीक है, अगला सवाल देखिए, साझेदारों के आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन द पार्टनर्स इज, तो हम क्या जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में, जब भी क्वेश्चन कह रहा हो तो प्रॉफिट ड्रॉइंग जो मिलता है तो बिजनेस के लिए वो फायदा है, गेन है जो इन्होंने पीछे देखा था, इसका मतलब प्रॉफिट टू द बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, सिंपल सा है, देखिए अभिषेक के लिए आहरण पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना कीजिए, यदि माह में एक बार इतना आहरित किया, तो इसका मतलब महीने में एक ही बार इसने निकाला है, कितना निकाला, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में 2000 रुपया हमारे पास गिवेन है, तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, वही बात 2000 × 12 कर देंगे। ठीक है, फिर इसी में तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 24000। ठीक है, उसमें आगे क्या करेंगे, 12% बोल रहा है, और जब कुछ नहीं कह रहा हो, ड्यूरिंग द ईयर की बात होती है तो हम कह लेते हैं 6/12। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1440, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर की, किसी समझौते के अभाव में, वही बात है कि अगर अभाव मतलब इन द सेंस क्या होता है, एग्रीमेंट के बारे में नहीं है, साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, हम क्या जानते हैं, इक्वली बांटा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ए में क्या दिया हुआ है, इक्वली। ठीक है, अगला सवाल देखिए, साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति, वही बात, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो हम क्या जानते हैं 6% की बात होती है, तो 6% का आंसर हो जाएगा, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स को क्या मिलेगा, बी पेड सैलरी, नॉट बी पेड सैलरी, तो हम क्या जानते हैं कि उसको जब भी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ होगा तो उसको सैलरी वैली नहीं दी जाएगी, इसका मतलब नॉट टू बी पेड सैलरी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड टू, तो हम क्या जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, ये वही सवाल है जिससे पहले भी किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, इन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल, तो हम क्या जानते हैं कि जब भी फिक्स्ड कैपिटल की बात होती है तो हम लोग इन्फॉर्मेशन कब कहां शुरू करते हैं, फ्लक्चुएटिंग में तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, लेकिन फिक्स्ड में पार्टनर्स कैपिटल करंट दोनों बनता है, और करंट अकाउंट में ही सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, सिर्फ कैपिटल की जो बीडीसीडी होती है, बीडी सॉरी, उसे ही हम वहां शो करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट आंसर। ठीक है, सारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, बोनस हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें कहां आती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, साझेदारों की पूंजी अस्थाई होने पर मतलब फिक्स्ड होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, मतलब ओपन कैपिटल अकाउंट कह रहा है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो कौन से अकाउंट खोला जाता है, तो हम क्या जानते हैं, जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल और करेंट दोनों अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट मतलब पूंजी और चालू खाते। ठीक है, अगला सवाल देखिए, साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है, मतलब द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू, तो हम क्या जानते हैं कि जब पार्टनर्स ड्रॉइंग करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल में कमी आ जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होगी तो हम डेबिट करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, तो पार्टनर्स ड्रॉइंग है क्या, तो हम क्या जानते हैं, फर्म के लिए पार्टनर्स ड्रॉइंग तरीके से
इनकम है, इंटरेस्ट की बात हमने पहले भी डिसाइड करी है, गेन वाली बात थी, तो सिंपल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखिए, साझेदारों के पूंजी पर देय ब्याज को प्रभावित किया जाता है, इंटरेस्ट पेबल ऑन द द कैपिटल ऑफ पार्टनर इज चार्ज्ड टू, मतलब क्या है, कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस, हम क्या जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 45, कंपनी मेलेशियम नियम 2014 के अनुसार एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या डैश से अधिक नहीं होनी हो सकती है, तो हम क्या जानते हैं, नया जो नियम आया उसमें क्या कर दिया गया, पहले ये 20 था, अब इसे 50 कर दिया गया, ठीक है, रूल में, ठीक है, एक्ट में चेंजिंग नहीं हुई है, सिर्फ रूल में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये रूल कब चेंज हुआ, तो 2014, ये भी आपको याद रहना चाहिए, और मैक्सिमम कितना कर दिया गया, 50। अगला सवाल देखिए, चालू खाता है, मतलब करंट अकाउंट क्या है, तो हम सब जानते हैं कि करंट अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, इसलिए क्योंकि पर्सनल पर्सन से रिलेटेड होता है इसीलिए, ठीक है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि साझेदारों के चालू खाते का हमेशा होगा, मतलब करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल ऑलवेज है, तो इसका मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी देखा है, आइदर दोनों डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस आ सकता है पार्टनर्स करंट अकाउंट का। अगला सवाल देखिए, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन, तो हम क्या जानते हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल निकाला जाता है तो हमेशा बिगनिंग पे हम लोग निकालते हैं, क्या कि शुरू में ही कैपिटल हमने लिया होगा, उसको पूरे साल यूज किया होगा, तब हम उस पर ब्याज देंगे, तो इसलिए हम लोग हमेशा बिगनिंग पे निकालते हैं, क्योंकि जितना हमने यूज किया है तो शुरू से जितना था कैपिटल उसकी उसी को यूज किया होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बिगनिंग पे देते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला सवाल देखिए, 49 नंबर, कह रहा है कि साझेदारी संलेख तैयार करना है, मतलब प्रिपेयर ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो हमने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड तो क्या है, मतलब ये तो एक्चुअल में पार्टनरशिप डीड तो कंपलसरी होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला सवाल देखिए, 53, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, तो इसका मतलब साझेदारों की पूंजी पर ब्याज के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखिए, साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है, तो ये भी बात वही सिंपल सी बात हो गई, ये बात भी रिपीटेड है, चार्ज, क्योंकि साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम, तो साझेदारों साझेदारों के लिए क्या होगा, एक तरीके से चार्ज होगा, खर्चा है उसके लिए, लेकिन फर्म के लिए वो चीज क्या होती है, नहीं एक्चुअल में ये बात ये नहीं पूछ रहा, पूछ रहा इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज, मतलब किसी ने अगर फर्म को एडवांस दिया तो फर्म उस पर इंटरेस्ट देगा, इसलिए क्या होगा, फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए इसे चार्ज कहा जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, मतलब क्या होगा, कैसे बनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, फॉर डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, हमने ये पहले भी देखा था, डिविजिबल प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदारों की पूंजी, तो वही बात है, इससे पहले भी ये सवाल आ चुके हैं, जब पूंजी फिक्स्ड होती है तो हम लोग करेंट अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये यही खत्म होता है, ये इसकी मैंने ये भी डाल दी है आपकी, और ये फिर उसकी सॉल्यूशन है जो मैंने आपको क्वेश्चन के पास कराया है और ये आंसर किया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक ये देंगे, और इसकी मैं पीडीएफ लिंक में दे दूंगा, और जिन लोगों को चाहिए होगा वो हमें पीडीएफ के लिए कमेंट करेंगे, मैं उनको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा तो लोग आप दोस्तों को इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, ठीक है, क्योंकि जो भी लोग, क्योंकि अक्सर एग्जाम में हम एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो। चलिए ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं।